वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो हमने बेसिक क्वांटिटीज पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि हर वो क्वांटिटी जो डायरेक्टली मेजर कर ली जाए किसी इंस्ट्रूमेंट से, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो वो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो वो कौन कौन से फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके बारे में हमें पढ़ना। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपके पास बेसिक क्वांटिटीज जो हैं जैसे कि लेंथ, मास एंड टाइम, ओके। तो इन तीन बेस क्वांटिटीज के लिए हम इंडिविजुअल जो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम नॉर्मली रूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ओके। इसके अंदर और भी बहुत सारी मेजरिंग स्केल्स आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल समझेंगे। मास को बैलेंस करने के लिए, मेजर करने के लिए हम बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। एंड टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच का सहारा लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो तीन बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं लेंथ, मास, टाइम, इन्हीं की हम क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे, ओके। तो बाय द वे आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है नॉर्मली आपके इर्द गिर्द आपके घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट मौजूद है वो ज़्यादातर या मोस्ट ऑफ द टाइम लेंथ, मास या टाइम के लिए ही मेजर करने के लिए बना होता है। बहुत ही कम ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे जो बाकी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए आपके पास होंगे। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे कि आपके पास टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपके पास घर में थर्मोमीटर रखा होगा, सही है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर। इसका मतलब हम बेसिक क्वांटिटीज को डायरेक्टली मेजर इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें और वैल्यूज निकाल लें। इसके अलावा आप जो भी आप हमारे पास बाकी हुई तीन क्वांटिटीज बची हैं जिसमें से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो नॉर्मली इन क्वांटिटीज के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट तो मौजूद हैं बट घरों में मौजूद नहीं होते नॉर्मली, ओके। तो आपको इसके लिए या तो लैब जो कि आपके पास फिजिक्स लैब होगी उस वहाँ पर आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखा दिए जाएंगे, समझा दिए जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो मेन फोकस होगा वो यही तीन क्वांटिटीज के ऊपर होगा जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, विच वन इज लेंथ, सेकंड वन इज मास एंड थर्ड वन इज टाइम, ओके। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इनके यूनिट्स भी याद हों। तो लेंथ के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो है एक मीटर, एक हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सेंटीमीटर, ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट हैं जैसे कि किलोमीटर है और आपके पास और भी दूसरे हैं, तो हम ज़्यादातर लैब्स के अंदर जो कि हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो हम ज़्यादा यानी कि मीटर मैक्सिमम हमारे पास लेंथ होती है, इससे बड़ी मेजरमेंट हम नहीं करते, छोटी कर सकते हैं। जैसे कि मीटर के बाद हम पीछे जाएं तो सेंटीमीटर आता है, फिर मिलीमीटर आता है। ऐसे ही मास के अंदर भी हम केजी को क्रॉस नहीं करते, हम ग्राम और केजी में ही रहते हैं, तो किलोग्राम और केजी, किलोग्राम एंड ग्राम, या तो फिर मिलीग्राम की तरफ जा सकते हैं, इससे ज़्यादा छोटा हम नहीं करते नॉर्मली बट जा सकते हैं। एंड स्टॉप वॉच ऑब्वियसली टाइम है तो हम सेकंड्स तक ही रहते हैं, बट मे बी पॉसिबल अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मिनट में भी जाएंगे और मे बी आवर्स में भी जा सकते हैं बट इससे ज़्यादा नहीं। बट कन्वर्जेंस और दो हम किसी भी यूनिट में कर सकते हैं, जब हम कन्वर्जन का टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो हम कन्वर्जन को भी डिस्कस करेंगे, ओके। सो अब लेंथ, मास और टाइम के लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा इनके इंस्ट्रूमेंट को देखने के लिए कि इनमें हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर दिस टाइम दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।